आपसे पहले नहीं सुना होगा कि करोड़ों रुपए की वाहन से लूट की योजना बनाई जाए और लूट की जाए, लेकिन आज ऐसा ही हुआ है। ऐसे में एक करोड़ों रुपए की वाहन के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार हो गए हैं। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक पिस्टल बरामद हुआ है, उसमें के साथ अन्य उसके 4 साथी भी गिरफ्तार हुए हैं। हालांकि 4 जो साथी हैं वो नाबालिग बताए जा रहे हैं। ऐसे में ये सभी लोग एक अपराध करने की योजना बना रहे थे, तभी पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने छापेमारी किया। उसके बाद इन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल मामला कुछ यूँ था कि गोपालपुर थाना पुलिस के रामपुर खरिया सुनसान इलाके में ये सभी अपराधी एक महंगी कार से खड़े हुए थे, तभी गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली कि कुछ अपराधियों के द्वारा अपराध की घटने को अंजाम दिए जा रहा है। तुरंत एक टीम गठित किया गया और छापेमारी की गई। उस छापेमारी के दौरान 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से एक देसी पिस्टल भी बरामद हुआ और एक महंगी लग्जरियस कार यानी ऑडी कार जो Q7 सीरीज की है, इसकी कीमत लगभग 70 से 80 लाख रुपये होती है। इस कार से वो लूट की योजना बना रहे थे। हालांकि इसमें जो मास्टरमाइंड था उसकी उम्र लगभग 18 साल है, उसका नाम फिरोज आलम बताया जा रहा है। और ये सभी किसी बड़े अपराध को अंजाम देने के लिए वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, तभी पुलिस को सूचना मिली और छापेमारी कर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम में जो पुलिस शामिल थी वो गोपालगंज के सदर SDPO के नेतृत्व में जो है कार्य कर रही थी। ऐसे में सदर इंस्पेक्टर कुचायकोट थाना, गोपालपुर थाना सहित अन्य थानों की पुलिस ने जब छापेमारी की तो इन सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इसको लेकर आज प्रेस वार्ता हुई है, सुनिए कि गोपालगंज के सदर SDPO इस पूरे मामले पर क्या कुछ बता रहे हैं। शाम में पुलिस अधीक्षक महोदय गोपालगंज को एक सूचना मिली कि गोपालगंज के कुचायकोट और गोपालपुर थाना के बॉर्डर पे जो पररोही धाम बगीचा है वहाँ पे कुछ अपराधकर्मी जमा है। इस सूचना के आधार पर सर के द्वारा एक टीम बनाई गई, जिसमें कुचायकोट थाना अध्यक्ष किरण शंकर और पुअनी दीपक कुमार प्रभारी थाना गोपालपुर को शामिल करते हुए और टीम का नेतृत्व करने के लिए सदर पुलिस निरीक्षक श्री हीरालाल जी को नेतृत्व बनाते हुए और त्वरित गति से कार्रवाई करने का निर्देश प्राप्त हुआ। टीम के द्वारा जब बताया गया जगह पर जब छापेमारी की गई तो वहाँ 5 व्यक्ति उपस्थित थे। जब उनसे नाम पता पूछा गया तो अपना नाम पता बताए और जब उनकी जमा तलाशी ली गई तो उनके बताए अनुसार एक पिस्टल बरामद हुआ, एक ऑडी कार बरामद हुई और सभी के पास से 5 मोबाइल बरामद हुए। पिस्टल के संबंध में उन्होंने सभी ने ये बताया कि हम लोग के पास था, हम लोग किसी के बुलाने पर यहाँ घटना कारित करने के लिए आए थे। और इस संदर्भ में कुचायकोट थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है और सभी को न्यायिक अवेक्षा में भेजा जा रहा है। उसमें कुछ किशोर वय भी हैं जिनको जे जे कोर्ट में भी भेजा जा रहा है। तो आपने साफ तौर पर गोपालगंज के सदर SDPO संजीव कुमार को तो सुन ही लिया कि किस तरह से उन्होंने इस घटनाक्रम को रोका है और इस पर उन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि जैसे ही गोपालगंज के SP स्वर प्रभात गोपालगंज में ज्वाइन किए उसके बाद ताबातोड़ छापामारियों का दौर चालू हो गया था। उसके बाद से ही जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी चालू हो गया। अब जो है गोपालगंज में लगभग बड़े अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ऐसे में फिर ये जो कार्रवाई की गई है एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें, Facebook पर देख रहे हो तो शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें और हमें इसके बारे में बताएं। अगर आपके यहाँ भी कोई घटना होती है तो हमें ज़रूर सूचित करें।